कश्मीर में पिछले 3 दिनों से आसमान से बर्फबारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ रामबन में लैंडस्लाइड से मकान फट रहे हैं, लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, तो दूसरी ओर बर्फबारी बारिश से कुपवाड़ा, गांधरबल, पुलवामा, पुंज, रामबन और आसपास के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कुपवाड़ा में लगातार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, रिहायशी इलाकों में पानी घुस आया है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर सड़कें पानी में तब्दील हो चुकी हैं, वहीं गुलमर्ग समेत कई ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। मुगल रोड पिछले 4 दिनों से यातायात के लिए बंद है, जबकि बारिश और पहाड़ों में दरार के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी यातायात के लिए बंद है। 8 तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और अलग अलग जिलों से ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां आसमान से बर्फबारी और बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदी नाले सभी उफान पर हैं। रामबन के परनोट इलाके में घर के घर उजड़ गए हैं। मुगल रोड एक बार फिर से यातायात के लिए ठप है। नदी नाले अपने उफान पर हैं, सड़कों पर पानी आ गया है, घरों में पानी घुस गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। और ये मंजर, ये माहौल अप्रैल के आखिरी में है जब पूरे उत्तर भारत में और पूरे भारत वर्ष में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 को छू रहा है, तो वहीं जम्मू कश्मीर से ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं जहां अभी भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। सड़कों पर भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में पानी भर आया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सेफ जगह पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। तो वहीं खराब मौसम के कारण जोजिला पास 3 दिनों से यातायात के लिए बंद है। आज ताजा बर्फबारी के कारण द्रास के आसपास के इलाकों की अहम सड़कें भी बंद हो गई हैं। जोजिला में 1 से 2 फीट तक बर्फबारी और तेज हवाएं चल रही हैं। द्रास में दर्जनों यात्री फंसे हुए हैं, उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं है। उन्होंने द्रास प्रशासन से सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है। स्थानीय लोग इन लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। द्रास की शिया मस्जिद की कमेटी ने इन यात्रियों के रहने और खाने की व्यवस्था की है। हम यहाँ तकरीबन 4 दिन से फंसे हुए हैं। शिया जामिया मस्जिद है, यहाँ पे फंसे हुए हैं 4 दिन से। हमारे पास खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। हम द्रास एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि हमारे लिए खाने पीने की कोई सुविधा कीजिए ताकि हम भूखे न मरें। यहाँ पे न हमारे रहने के लिए कोई है, न खाने के लिए हमारे पास कुछ है, तो इसलिए हम द्रास एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरखास्त करते हैं कि हमारे लिए खाने पीने और रहने की थोड़ा बहुत यहाँ व्यवस्था। आज हो गया 4th दिन हो गया हमारा यहाँ पे इसी मस्जिद में ही, तो शुक्र अल्लाह का ये जो मोदी साहब भी है यहाँ पे अच्छा हमारा तो बिस्तर दे रहे हैं, तो फिर भी हम सोचे अगर कोई और बंदा भी आ जाए तो उसकी प्रॉब्लम है, बिस्तर फिर कम हो जाएगा या और कुछ भी हमारे पास खाने वाने के कोई चांसेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे, इसलिए हम गुजारिश करते हैं कुछ अगर हो जाए वो बहुत बेहतरीन चीज होगा। कुछ जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से उधमपुर में सैकड़ों गाड़ियां फंसी हुई हैं। रात भर हुई बारिश के कारण रामनगर सेक्टर में चट्टाने गिरने और भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने कश्मीर जाने वाली किसी भी गाड़ी को जखनी चेक पोस्ट से आगे नहीं जाने दिया है। सैकड़ों गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। और इससे पहले आपने लद्दाख के जोजिला पास की तस्वीरें देखी जहां पर भी गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो भारी बारिश आपको जैसे पता है फोरकास्ट थी हमारी आज 2 दिन के लिए, पहले 3 दिन का बता रहे थे लेकिन 2 दिन के लिए ये काफ़ी बारिश का हमें फोरकास्ट था। उसकी वजह से रात को ये मिडनाइट में तकरीबन 1.5-2 बजे ये हमारे वहाँ पे फंसी आने की वजह से हमने सुबह जम्मू से भी एडवाइजरी जो उसके मुतालिक मैसेज किया था कि जो हमारा कौमी शहरा जो डलवास के आगे बंद हुआ है, तो इसकी वजह से जो पैसेंजर्स गाड़ी हैं वो वहाँ पे हमारे नगरोटा में रुकी गई थी। तो इसी तरह जितनी गाड़ी थोड़ी आगे आई तो हमने यहाँ पे दिखानी में रोक के रखी। तो आपके इस चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा जो हमारे भाई साहबान जो रुके हैं यहाँ पे ड्राइवर साहबान, तो उनसे गुजारिश है कि वो पेशेंस रखें,
और जो भी लोग जहाँ पे जो कौमी शहरा में सफ़र करने के लिए आ रहे हैं वो कृपया ट्रैफिक की एडवाइजरी जो डेली हमारी निकलती है वो जरूर हमारी पढ़ के आए क्योंकि उनको असुविधा ना हो। आगे बढ़ते हैं और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बंद है। राजमार्ग कई स्थानों पर बंद होने की वजह से बड़ी संख्या में कश्मीर जाने वाले यात्री यहां फंसे हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों से आए मजदूर भी शामिल हैं। यात्रियों का कहना है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार बंद रहने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मुफ्त भोजन और आवास की व्यवस्था करने की अब मांग की है। श्रीनगर जाना था? हाँ। तो यहाँ पे कब से बैठे हो यहाँ? कल से। हाँ। तो देखिए ये मुसाफिर जो है वो कल से यहाँ पे बैठे हैं और भी कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या? मंजूर मियाँ। मंजूर, आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से आए हैं। कश्मीर जाना था आपको? जी। यहाँ कब से हो? अभी हमको सुबह 7 बजे है। तो क्या बोल रहे लोग? ट्रैफिक अभी बोल रहे रास्ता जाम है, अभी गाड़ी नहीं खुलेगा तो भेजेंगे, ये है वो है। बारिशें भी हो रही है, यहाँ कोई इंतजाम है आपको रहने? अभी कहाँ इंतजाम, कोई नहीं है, स्टेशन से सिवा कौन सा इंतजाम है। आराम से ये बताइए, आपको कश्मीर जाना था आज? हाँ, आज क्या पता, आज रास्ता बंद था इसीलिए हम यहाँ जम्मू में रहा। हाँ। आज आप यहाँ पे किस काम के लिए आए? यहाँ हम तो दिल्ली से आया है। कश्मीर जाना था? हाँ, कश्मीर। तो अभी ट्रैफिक बंद है यहाँ, कोई इंतजाम है रहने का? कोई इंतजाम अभी तो कोई इंतजाम नहीं है यहाँ, हम तो स्टैंड पे यही बस स्टैंड में बैठे हुए हैं। बहुत प्रॉब्लम आती है, टाइम से गाड़ी पहुँचती नहीं है, सरकार भी कुछ करती नहीं है, ढीली लगी है। आप अपना नाम बताओ? मेरा नाम जाकिर है सर। कहाँ से आए हो आप? बिहार से आए। बिहार से। कश्मीर जाना था? जी। तो ट्रैफिक कब से यहाँ पे हो? आज अभी थोड़ा देर पहले उतरे, आधा घंटा। क्या बोल रहे हैं, ट्रैफिक बंद है? हाँ, बंद है। कोई इंतजाम है सरकार की तरफ से? अब मैं क्या बता सकता हूँ सर, वो तो सरकार नहीं जानती। कोई इंतजाम नहीं है, ये इनको यहाँ पे खड़े हैं और आप देख सकते हैं इनके बैगेजेस हैं, इनके जो बैगेजेस हैं ये आए थे, इनको लग रहा था कि आज यहाँ बस स्टैंड में पहुँच के ये सीधा ही कश्मीर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लगातार अब ये यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि कब नेशनल हाईवे